बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और आज जो है मैं शुरू करूँगी अल्लाह के नाम से। और आपको पता है कि जो है ना, ये डेली मैं पढ़ती हूँ, ये दुरूद पाक की बुक है, और इसमें सारे जितने भी दुरूद पाक हैं वो लिखे हुए हैं। तो ये मैं दिन में एक दफ़ा जो है लाजमी पढ़ती हूँ। वो मुझे किसी टाइम भी टाइम मिल जाए, किसी भी नमाज़ के टाइम के बाद, नमाज़ के बाद मैं पढ़ती हूँ। सुबह में पढ़ लूँ, दोपहर में पढ़ लूँ, शाम में पढ़ लूँ, तो ये लाजमी मैं पढ़ती हूँ। अच्छा जी, ये सामान आ गया हमारा, और अब इसको जो है हम उठाते हैं, लेके जाते हैं। नूडल मंगवाए हैं मैंने ये सामान के लिए। सामान की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ना बुखार चढ़ा हुआ है इसको बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर लेटा भी हो, आप देख सकते हैं। क्या बात है, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, बस मैं नूडल बना के दे रही हूँ आपको, ठीक है? 2 मिनट ठहर जो, बस मैं रखने लगी हूँ। पर तो रखते हैं, शाम बिलाल के लिए, उस्मान के लिए नूडल बनाते हैं, और इस सामान को सारे को इधर रखते हैं। आज हमारी काम कपड़े धोने वाली आंटी आई थी, तो वो सारे कपड़े धो के गई, सारे कुर्सी के ऊपर रखे हुए हैं। जी मैं नूडल बना लूँ। नूडल बनाते हैं शाम के लिए। देखें शाम में क्या किया है फिर उस्मान के लिए। सुबह में पेन लेके, मार्कर लेके उसने मेरे सारे निशान डाले हुए हाथ के ऊपर, और ये जो है ये रख लेती हूँ। बर्तन अभी मेरे पास वो देखे हैं धोने वाले पड़े हुए हैं अभी उसी तरह, क्योंकि आज संडे का दिन था और जो है लेट उठे थे सारे, जिसकी वजह से सारा काम जो है वो लेट हुआ है। तो इसको रख देते हैं पकने के लिए ऊपर या वहाँ पर, ठीक है। देखते हैं डस्टबिन में, और यहाँ पे आप धो लेती हूँ मैं बर्तन धो लेती हूँ। यहाँ पे खड़े होके काफ़ी बर्तन जमा हुए हैं, ठीक है, वो बन जाएंगे। नूडल जो है यहाँ पे बन रहे हैं, पक रहे हैं। अभी थोड़े से जो है ना कसर अभी इसमें रह गई है, यानी कि कच्चे हैं थोड़े से भी, तो मैंने कहा थोड़ा सा और पक जाते हैं, तो बस इसको मैं उतार लेती हूँ। तो यहाँ पर ये रेडी हो गए हैं नूडल, और अब इनको मैं उतारती हूँ। इनको मैं इसी तरह जो है ना डोंगे में और प्लेट में रखती हूँ, ताकि थोड़ा ठंडे हो जाएंगे ज़रा जल्दी, और जो है ना ये सामान को देती हूँ ताकि वो खा ले, क्योंकि वो सुबह से भूखा है और उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ बुखार की वजह से, और शाम हो गई है। तो अब मैं इसको ये नूडल बना के दे रही हूँ। ये लो सामान, ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर ये खा लो बच्चे, इधर रख रही हूँ। अच्छा जी, शाम हो गई थी, और जो है ना मैंने एक तरफ जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, मैंने वीडियो जो है वो नहीं बनाई, बना नहीं पाई। तो जो है ना मैंने जल्दी से चावल उबाल लिए हैं, एक साइड पे चावल उबले हैं, और दूसरी तरफ जो है ना मैंने अगर आपने झटपट तैयार करना हो ना आलू मुर्गा, तो आप कुकर में इसको डाल के ज़रा जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तो ये 5 से 10 मिनट के अंदर जो है ये आपकी खाना जो है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे चावल जो हैं वो मैंने उबाल लिए, उनको एक साइड पे रख दिया, तो कुकर में मैंने सारा कुछ डाल दिया था, और उसके बाद मैंने उसको उठ जाओ बेटे, थोड़ी देर के लिए उठ जाओ, डॉक्टर की जाना है, चलो उठ जाओ। शाबाश। उस्मान की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, और ना बेचारा सुबह से लेटा हुआ है, इसको भी डॉक्टर के लेके जाना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा है चावल बन उबल चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बनाया है आलू मुर्गा। तो अब जी मैं इसको बन गया है, तो इसके अंदर बस अब मैं थोड़ा सा गर्म मसाला छिड़क दूँगी, ठीक है। पिसा हुआ गर्म मसाला जो है, मैं इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और यहाँ पे जो है मैं ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लेके डाल दूँगी, ठीक है। रेडी हो गया बस। यहाँ पे शाम को लग गई है भूख, और ये शाम यहाँ पे हेलमेट पहन
क्या पहना हुआ आपने? हेलमेट। और अब इसको भूख लग गई तो यहाँ पे मैंने इसके लिए डाले हैं थोड़े से चावल, और अब मैं इसको डाल के दूंगी एक छोटी सी बोटी जो आप खा सको आपकी जितनी। ठीक है तो नहीं, क्या कुछ सीख के आते हो आप भाई से गंदी गंदी बातें। बस जी इसमें आपको मिर्ची लगेंगी, ये अब सारा ठंडा हो जाएगा ना, फिर खाना है, ऐसे नहीं खाना। ठीक है चलो चलो आ जाओ वहां से, कप पकड़ो मैं आपको पानी भी डाल दूं। पानी मांगोगे? हाँ चाय डाल दो क्या? चाय नहीं है, चाय फिनिश हो गई। चलो इसमें अच्छा जी अब होगी है रात, और रात का टाइम है, और बस जी अब मैं थक चुकी हूँ, मैं खुद भी बिस्तर में आके बैठ गई हूँ क्योंकि सर्दी, आपको पता है जब काम शाम सारे ख़त्म कर लेती हूँ तो फिर मैं बिस्तर में आ जाती हूँ, और उसके बाद जो है फिर मेरा बिल्कुल भी जो है निकलने को दिल नहीं करता बिस्तर से बाहर। तो जी मैंने सारा काम कर लिया है, बच्चों को भी सारा खाना वाना दे दिया है, रात का टाइम है, सब बच्चे अपने अपने बिस्तर पर जा चुके हैं। तो मुझे आप दें इजाज़त, तो आज की बस इतनी ही वीडियो थी, तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में, उतनी देर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।